हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल सलीस नर्सिंग एकेडमी पर एक और नई नर्सिंग वीडियो के साथ में। दोस्तों, एक और नई नर्सिंग वैकेंसी आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर एक वैकेंसी की अपडेट और नर्सिंग से प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इन सभी के पीडीएफ आप सभी को चाहिए होंगे तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के साथ ही में। आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहाँ से फॉलो कर लीजिए अगर कोई मुझसे फ्रेंडली कनेक्ट होना चाहता है। तो दोस्तों, बात करेंगे कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी हाँ दोस्तों, कहने वाली बात यह है कि जन विकास न्यास ग्वालियर मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी होने वाली है। सेमी गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल है और इसमें जो है आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। मांदरे की माता ग्वालियर 4740 02 MP, फ़ोन नंबर भी आपको दिए गए हैं, एड्रेस भी आपको यहाँ दिया गया है और आपको यहाँ वेबसाइट भी दी गई है, यहाँ पे आपको ईमेल भी दिया गया है। कहने वाली बात यह है कि रिक्वायर्ड है वैकेंसी की, तो चलिए करते हैं पूरी वीडियो में बात पूरी वैकेंसी की अपडेट के बारे में। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, क्या आपकी इसमें सैलरी रहेगी, क्या इसमें आपकी पोस्ट रहेगी, टोटल सभी कुछ इसमें हम बात करेंगे। दोस्तों, बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करेंगे सबसे पहले। तो क्वालिफिकेशन डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियर विद हॉस्पिटल एक्सपीरियंस। दोस्तों, बायोमेडिकल इंजीनियर की इसमें पोस्ट होने वाली है। दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपसे, डिग्री मांगी गई है, किसमें मांगी गई है आपसे, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जिसने कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आपके पास हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों, दूसरी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, सोशल वर्कर की इसमें पोस्ट होने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपसे, दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है ग्रेजुएशन, जो कि आपकी 35 साल विद बिलो 35 ईयरों के, मतलब 35 साल से आपके नीचे होनी चाहिए। ग्रेजुएशन विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, आपको कंप्यूटर टाइपिंग में थोड़ा सी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की इसमें पोस्ट होने वाली है दोस्तों, ठीक है, ये देखिए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स और BSc GNM, ओके, दोनों इसमें मांगी गई है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। विथ इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी आपके पास इन्फेक्शन कंट्रोल का ट्रेनिंग होना चाहिए, ओके। ICT का आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी मांगा गया है, इसमें 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो उसमें, तो आप इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों, से बात करेंगे हम स्टाफ नर्स के बारे में। स्टाफ नर्स की बात करेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन देखिए क्या क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, BSc नर्सिंग इसमें मांगी गई है, GNM जनरल नर्सिंग आपसे इसमें मांगी गई है, ठीक है, और विद रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, कोई से भी शर्ट का चल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई विद इन 12 डे विद कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड फोटोग्राफ्स, यानी आपके सभी रिज्यूम डॉक्यूमेंट्स आपका CV और फोटोग्राफ के साथ में आपको विद इन 12 डेज के अंदर आपको जो है इन सभी कॉपी लेके अप्लाई कर देना है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ एड्रेस नहीं बताया गया कि, और इसमें कोई मेथड नहीं बताया गया आपको अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ इसमें ये आया था। अब अपन चलते हैं साइट की तरफ। दोस्तों मैं साइट की तरफ जाता हूँ तो इसमें देखिए, ये देखिए आ गई कैंसर हॉस्पिटल ग्वालियर .com, इस पर आप जा सकते हो साइट पे, कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर। चलिए नीचे चलते हैं इस विज्ञप्ति की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ देखोगे न्यूज़ पे तो ये ग्वालियर की साइट पे है और इसमें बिल्कुल आपके सामने वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ठीक है, और ये पूरा दिया गया है, ठीक है, और इसमें एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर सोशल वर्कर इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टाफ नर्स, तो इसमें ये बताया गया है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, या तो आपको इसमें इसी एड्रेस पे चले जाना है जो इसमें बताया गया है, मांदरे की माता ग्वालियर में कैंसर हॉस्पिटल है रिसर्च में, ओके, यहाँ पर आपको डायरेक्ट टेस्टिमोनियल्स और अपने फोटोग्राफ्स के साथ इंटरव्यू के लिए अप्लाई होना है विद इन 12 डेज। अब देखिए दोस्तों, इसमें अप्लाई कैसे करना है आपको, तो एक मेथड ये भी हो सकता है कि या तो आप ईमेल करके पूछ लीजिए उनसे, या फिर आप उनसे फ़ोन नंबर है दिए गए हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि हमने ये पूरी पोस्ट देखी है तो इसमें हमें किस तरह अप्लाई करनी है। दोस्तों, अच्छी वैकेंसी है और ग्वालियर से वैकेंसी होने वाली है, तो MP की वैकेंसी है ये। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, किसी लगी वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।